नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रिजल्ट में स्वागत करता हूँ। आज देखना है इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी के ऊपर के कुछ एमसीक्यूज। इसके पहले भी मैंने दो तीन वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। आज के बेसिकली वीडियो में जो आपका लिमिट फिक्स एंड टॉलरेंस जो चैप्टर है उसके ऊपर एमसीक्यूज के बारे में करने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है व्हाट आर द फंक्शनल डायमेंशंस। फंक्शनल डायमेंशन मतलब क्या, कैसा होता है इंडस्ट्री में कुछ फंक्शनल डायमेंशन होते हैं, कुछ नॉन फंक्शनल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। कभी कभी इंटरव्यू में भी आपको क्या करेंगे, ड्राइंग दी जाती है और उसके से आपको पूछा जाता है कि इसमें से कौन से फंक्शनल डायमेंशन है। फंक्शनल डायमेंशन मतलब क्या, कंसिडर करो आपका एक स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक है और अंदर यहाँ पे आपका होल होता है जहाँ पे आपका कुछ तो मेटिंग पार्ट बैठेगा। तो अंदर का ये जो डायमेंशन है आपका, ये फंक्शनल डायमेंशन जिसमें क्या होने वाला है, कुछ तो फिट होने वाला है। लेकिन वही अगर आप बाहर का ये डायमेंशन लोगे तो इसके अंदर कुछ बैठने वाला नहीं है, तो ये क्या है, नॉन फंक्शनल है। तो अभी इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते क्या क्या है। हैव टू बी मशीन एंड फिट विद द अदर मेटिंग कंपोनेंट्स व्हिच हैव नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी। अभी इसका मतलब क्या है, नो इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस ऑफ क्वालिटी। अभी फंक्शनल तो क्या होता है कि फंक्शनल मतलब आपका जो भी कुछ कंपोनेंट है वो एक दूसरे में अच्छे से फिट हो जाए, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। Need not to be machined to an accuracy of high degree. Functional requirement है तो आपका जो मशीनिंग है वो हाई डिग्री में होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। फंक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्यूरेसी, ऐसा कुछ नहीं रहता। फंक्शन इज एक्यूरेसी आएगी तो ही आपका क्या होगा, वो फंक्शन करेगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका आंसर ये है, हैव टू बी मशीन एंड फिट विद द अदर मेटिंग पार्ट। जैसे मैंने ये बताया कि आपका स्क्रू जैक का ये, और यहाँ पे आपका क्या बैठता है, नट बैठता है यहाँ पे। तो ये क्या होना चाहिए, हाई डिग्री में मशीनिंग होना चाहिए और इसके अंदर दूसरा पार्ट फिट होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या है, ये है इसका। फिर उसके बाद सेकंड है, वाई टॉलरेंस आर गिवन टू द पार्ट्स। टॉलरेंस क्यों दिया जाता है, एग्जैक्ट साइज का पार्ट बना नहीं सकते इसलिए क्या होता है, टॉलरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू मेक परफेक्ट सेटिंग, ये आपका आंसर है। टू रिड्यूस वेट ऑफ कंपोनेंट, वेट का और टॉलरेंस का कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। और अगर रिड्यूस कॉस्ट, एक्चुअली तो ऐसा नहीं है, आप जितना टाइटर टॉलरेंस रखोगे उतना क्या होता है, आपका कॉस्ट बढ़ता है। ठीक है, तो टॉलरेंस का और कॉस्ट का भी मतलब, वैसे कॉस्ट रिड्यूस नहीं होता है एक्चुअली, टॉलरेंस से तो कॉस्ट बढ़ता है आपका। टू रिड्यूस अमाउंट ऑफ मटेरियल यूज, इस मटेरियल और टॉलरेंस का भी कुछ रिलेशन नहीं है। तो क्या है, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू मेक परफेक्ट सेटिंग, आप मटेरियल, मेन मटेरियल, मशीन तीनों भी इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए एग्जैक्ट साइज का पार्ट नहीं बना सकते आप। व्हाट इज बायलैटरल टॉलरेंस, जैसे आपको पता होना चाहिए कि बायलैटरल और यूनिलैटरल में क्या डिफरेंस होता है। ये आपकी जीरो लाइन है, ठीक है, इसको आप बेसिक साइज भी बोल सकते हैं या जीरो लाइन भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर का साइड का जो टॉलरेंस रहता है वो प्लस रहता है, नीचे का माइनस रहता है। कंसिडर करो मैंने एक पार्ट लिया है, उसको मैंने 0.5 ऐसा टॉलरेंस दिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। तो ये क्या होगा, ये साइड 25 का ये आपका बेसिक साइज है, ठीक है, और ऊपर के साइड आपका ये टॉलरेंस आया। सेम मैं दूसरा पार्ट लेता हूँ, 25 प्लस माइनस 0.5, मतलब क्या, 0.5 प्लस से ऊपर है और नीचे 0.5 माइनस है, ऐसा ही टॉलरेंस है। तो ये जो केस है आपका, ये पहला केस है, इसको क्या कहते हैं, यूनिलैटरल कहते हैं। अगर जीरो लाइन की एक ही साइड है तो यूनिलैटरल, और जीरो लाइन के दोनों साइड है तो इसको क्या कहते हैं, बायलैटरल कहते हैं। तो अभी इसका आंसर क्या हो सकता है, मे और न, ये नहीं है, टोटल टॉलरेंस इन बोथ डायरेक्शन, ये आपका क्या है, आंसर है। टोटल टॉलरेंस इन वन डायरेक्शन नहीं है, बायलैटरल मतलब दो है, टॉलरेंस प्रोवाइड ऑल ओवर द कंपोनेंट्स ऑफ द बॉडी, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या चाहिए, मे और मे नॉट बी, ये टोटल टॉलरेंस इन बोथ डायरेक्शन। इसके बाद विच टाइप ऑफ टॉलरेंस प्रोवाइडेड इन ड्रिलिंग मोस्टली, ड्रिलिंग का ऑपरेशन कैसे होता है, आपको ड्रिलिंग का ऑपरेशन पता होना चाहिए कि क्या होता है उसमें, ड्रिल बिट होता है। कंसिडर करो आपका ये कंपोनेंट है, आपको क्या करना है, इसमें ड्रिल करना है। तो आप क्या कहते हो, आपका ड्रिल अगर ओवर साइज रहा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्रिल अंडर साइज नहीं रहा, अंडर साइज नहीं होना चाहिए,
ठीक है, आपको क्या करना है, एक नट बोल्ट का असेंबली क्या करना है उसके अंदर इंसर्ट करना है। तो आपका ड्रिल थोड़ा 1 mm ओवर साइज हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 1 mm अंडर साइज रहा तो क्या होगा, आपका ये जो नट एंड बोल्ट का असेंबली है उसके अंदर फिट नहीं होगा। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है कि आपके जो ड्रिलिंग का है इसके ऊपर यूनिलैटरल टॉलरेंस दिया जाता है ना, बायलैटरल। ठीक है, ट्राइलैटरल तो टॉलरेंस नहीं होता है, कंपाउंड भी नहीं होता है, तो ये दो ही टॉलरेंस है, एक तो बायलैटरल है नहीं तो यूनिलैटरल है। बायलैटरल आप नहीं होता है इसलिए एक ही टॉलरेंस है, यूनिलैटरल ओवर साइज ही जॉब रहेगा, ड्रिलिंग में अंडर साइज जॉब नहीं रहता है। उसके बाद व्हाट इज मीन क्लियरेंस, अभी ये थोड़ा नया कंसेप्ट है, मीन क्लियरेंस मतलब क्या, अभी इसका आंसर जो है मीन साइज ऑफ होल माइनस मीन साइज ऑफ शाफ्ट, ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद व्हाट आर द मेन कंसिडरेशन फॉर डिसाइडिंग द लिमिट्स ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, क्या है, अभी देखो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल मतलब क्या, किस कंसिडर करो, आपने एक फैन लिया घर पे तो उसका मेन फंक्शन क्या है कि उसने आपको क्या किया, हवा देना चाहिए, तो ये इसका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इकोनॉमिक्स एंड इंटरचेंजेबिलिटी, इकोनॉमिक्स मतलब क्या है आपका, रिलेटेड टू आवर योर मनी, और इंटरचेंजेबिलिटी मतलब क्या कि एक मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है, दोनों भी क्या होने चाहिए, एक दूसरे में इजीली फिट होने चाहिए विदाउट कंज्यूमिंग मच टाइम, उसको इंटरचेंजेबिलिटी कहते हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, इंटरचेंजेबिलिटी एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट है कि लिमिट्स ऑफ पर्टिकुलर पार्ट क्यों ये किया जाता है, मेन कंसिडरेशन फॉर लिमिट ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, आपकी इंटरचेंजेबिलिटी भी अचीव होनी चाहिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी अचीव होनी चाहिए, और उसके साथ आपका कॉस्ट जो है प्रोडक्ट का वो भी नहीं बढ़ना चाहिए। ये पूरे इतने पैरामीटर्स क्या होते हैं आपके लिमिट्स ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज 50 रिप्रेजेंट इन 50 HH H7 G7, मतलब क्या, आपको ये क्वेश्चन 4 mark के लिए थ्योरी क्वेश्चन में आता है कि 50 इसका मीनिंग क्या है। तो वैसे देखा जाएगा 50 क्या होता है, आपका बेसिक साइज होता है, कैपिटल लेटर डिनोट्स होल और स्मॉल लेटर डिनोट्स शार्प। ठीक है, और ये 8 क्या है, आईटी ग्रेड 8 का आपका क्या है, होल है, और ये 7 क्या है, आईटी ग्रेड 7 का आपका शाफ्ट है। ठीक, फिर उसके बाद व्हाट इज गो लिमिट, गो लिमिट में क्या है कि ये नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं।